दरभंगा की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान पिता के साथ दो पुत्र बहे बेनीपुर आशापुर कटवासा पथ के कुथना चौर में। बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान पिता के साथ साथ दो पुत्र बह गए, जिससे एक और जहां परिजन के बीच मातम और चित्कार से बेनीपुर दहल उठा, वहीं आसपास के गांव के लोगों का भीड़ जमा हो गया। नगर परिषद क्षेत्र के निवासी अनिल महतो आज परिवार के सभी सदस्य घड़ी पर्व की तैयारी में जुटे थे। घर में उत्साह माहौल सा था। अनिल ने भी पर्व का सामान खरीदकर घर में देकर अपने दोनों पुत्र के साथ नहाने के लिए घर से 2 किलोमीटर दूर बाढ़ के पानी में नहाने के लिए मोटरसाइकिल से बेनीपुर कटवासा पथ के कुथना चर में नहाने के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद घर पर सूचना मिली कि अनिल अपने दोनों पुत्र के साथ बाढ़ में बह गया। सूचना आते ही पूरा मोहल्ले में कोहराम मच गया। उनके घर लोगों का भीड़ जमा हो गया। पत्नी सुनीता देवी की चित्कार से मोहल्ला दहलने लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी दौरान 17 वर्षीय पुत्र अंशु का पांव फिसलकर वह गहरे पानी में चला गया। उसे पिता अनिल महतो ने बचाने का प्रयास किया। 10 वर्षीय पुत्र प्रिंस उसका हाथ पकड़े हुए थे, वही दोनों एक साथ गहरे पानी में चले गए। तेज रफ्तार होने के कारण तीनों पिता पुत्र बाढ़ के पानी में समा गया। अनिल मूल रूप से जाले प्रखंड के काशी बहेड़ा का रहने वाला था। वह बचपन से ही अपने ननिहाल चिकित्सक मामा जय किशोर महतो के सानिध्य में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर यहीं से TET परीक्षा पास कर शिक्षक की नौकरी बिरौल प्रखंड के जगदीशपुर मध्य विद्यालय में पद स्थापित थे। उक्त घटना को लेकर BDO अमोल मिश्र बहेड़ा, थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने नेतृत्व में NDRF की टीम ने सबकी तलाश कर रही है। समाचार बोलने तक अभी तक सब नहीं मिला है।